अब देखिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होगा। महिला आरक्षण पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया। लोकसभा में महिलाओं को इससे 33% आरक्षण मिलेगा। लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित। विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 15 साल तक रिजर्वेशन की अवधि होगी। अवधि बढ़ाने के लिए सरकार के पास अधिकार है। खुद कानून मंत्री ने इसकी जानकारी दी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 33% आरक्षण। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। 15 साल के लिए मिलेगा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को यह आरक्षण। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। 15 साल की इसकी अभी फिलहाल अवधि होगी और यह आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। और दूसरा, देखिए जिस तरह से ये महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, किस तरह से आप इसे देख रही हैं? बड़ी बात है, खुशी की बात है? देखिए, सबसे पहले गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सबको बधाई देती हूँ जी। और कितने सौभाग्य की बात है भारत की महिलाओं के लिए कि शुभ दिन पर पहला दिन जो नए संसद भवन में पहला बिल पास हुआ वो महिलाओं के सम्मान और संस्कारों को लेकर पास हुआ। आप ये सोचिए कि इससे बड़ा सम्मान कभी महिलाओं को मिल सकता था? ये एक इतिहास में बात दर्ज हो गई कि पहला बिल महिलाओं के आरक्षण का जो है पास हुआ इस दिन। और महिलाएं जितना भी उनका कैलिबर है, अब लीडरशिप में, हर क्षेत्र की लीडरशिप में वो अपने इस कैलिबर को उजागर कर सकती हैं पूर्ण रूप से। आपने स्वयं अभी बताया और मैं भी ये बात कह रही हूँ कि लोकसभा में 181 महिलाएं, राज्यसभा में 84 महिलाएं और विधानसभाओं में 33% आरक्षित महिलाएं। आप ये सोचिए कि पूरे देश में महिलाओं का परचम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया। इसके लिए माननीय मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। महिला आयोग हरियाणा प्रदेश पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि उन्होंने महिलाओं का एक ऐसा उत्तम सम्मान दिया। रेणु भाटिया जी, क्या मानते हैं कि ये एक ऐसा बिल होना चाहिए जो सर्वसम्मति से पास हो, इस पर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, लगता है आपको ऐसा होगा? देखिए, होना तो जरूर चाहिए, परंतु जो लोग बार बार महिलाओं की बात करते थे, जो लोग बार बार महिलाओं के अधिकारों की बात करते थे, आज यदि वो इस बात को रोकेंगे या पीछे हटेंगे तो मुझे लगता है ऐसे लोगों से दोगला कोई हो नहीं सकता। इसलिए महिलाओं के सम्मान सोचने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए जो महिलाओं का सम्मान माननीय मोदी जी ने दिया उसको ध्वनि मत से, एक मत से, एक आवाज से पारित कर दिया जाना चाहिए दोनों सदनों। किसको आप इसका श्रेय दे रही हैं? देखिए, आपने धन्यवाद किया पीएम मोदी का, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, हालांकि इस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जरूर इस पर कह रहा है कि बिल आपका नहीं है, हम भी इस बिल को लेकर आए थे, हालांकि तब पास नहीं हुआ था, लेकिन सारा क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, खुद सोनिया गांधी और कांग्रेस या तमाम विपक्षी दलों की बात की जाए, उनकी तरफ से ये कहा गया। देखिए, जो बात शुरू करता है केवल करने के लिए नहीं करनी होती, जो बात करके दिखाता है उसकी बात मानी जानी चाहिए। 27 वर्षों तक यही लोग नेता थे, यही लोग सांसद थे, यही लोग पार्टियों के अध्यक्ष और शीर्ष नेता रहे अपनी अपनी पार्टियों के, तब क्यों नहीं सोचा, तब क्यों नहीं अड़े, तब क्यों नहीं निर्णय और निश्चय किया कि ये काम करके ही रहेंगे? आज जिस प्रकार से इतनी पार्टियां मोदी जी के खिलाफ इकट्ठी खड़ी हो गई हैं, तब ये सारे लोग इकट्ठे क्यों नहीं खड़े हुए इस बिल के लिए, इक्का दुक्का बीच में क्यों खड़े हैं? तो जो जो लोग भी इस बिल को पारित कराने के लिए मोदी जी का साथ दे रहे हैं, हर महिला उनका भी धन्यवाद करती है, लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं उनसे दोगला इस देश में कोई नहीं हो सकता, उनसे डबल बात करने वाला व्यक्ति इस देश में कोई नहीं हो सकता। जो इस प्रकार के महिलाओं के अधिकारों का विरोध करेंगे, यानी वो अपने घर की महिलाओं के भी खिलाफ है। रेणु भाटिया जी, क्या लगता है कितना बदलाव इससे आएगा, कितनी मजबूती और महिलाओं को मिलेगी? देखिए, जब हम घर की बेटी को
या घर की बहू को अधिकार देते हैं तो वो घर को कितने बढ़िया तरीके से बनाती है, संभालती है, उसको सुसज्जित करती है। इसी प्रकार जब महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, उनको एक पद मिलेगा, एक गौरवान्वित स्थान मिलेगा, तो वो महिला कहाँ पीछे हटने वाली है। आज तक भी आपने देखा जो जो भी हमारी नेत्रिया महिलाएं रही, चाहे वो हेमा मालिनी है, चाहे स्मृति ईरानी है, चाहे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी है, चाहे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला आयोग की रेखा शर्मा जी है, कहाँ पीछे हटी महिलाओं के अधिकारों और सम्मान में, कभी नहीं हटी। इस प्रकार जब पूरा समाज महिलाओं को आगे लेके बढ़ेगा तो कोई भी क्षेत्र मुझे लगता है कमजोर या पीछे रहने वाला नहीं है। और जो नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम से दिया गया है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? सलाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ, वंदन करती हूँ ऐसे महान शब्दों का प्रयोग करके महिलाओं को सम्मान देने के लिए। आप सोचिए जो लोग महिलाओं की केवल बात करते थे, आज वो लोग भी इस बात को मानने लग गए हैं कि महिला बिल पारित करके हमने महिलाओं का शीर्ष जो है और मस्तिष्क और ऊंचा किया है। तो मुझे लगता है कि इस बिल को आगे बढ़ाने में, महिलाओं को मजबूत करने में, देश को एक नई दशा और दिशा देने में, संस्कारों और संस्कृति को नया रूप देने में इन महिलाओं का बहुत योगदान रहेगा देश में। और मोदी जी का बारंबार धन्यवाद करते हैं, मैं कहूंगी अपनी अपनी हरियाणा की ओर से मोदी जी को परमात्मा 100 वर्षों की आयु दे, स्वस्थ जीवन दे, ताकि वो इसी प्रकार समाज, देश और महिलाओं का सम्मान करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और रेणु भाटिया जी, जिस तरह से आपने कहा कि नए संसद भवन में इस तरह का बिल पेश होना, पहला बिल ये पास हुआ है, उम्मीद की जाए आगे भी महिलाओं के लिए, हालांकि देखिए सरकारें काम करती हैं और तमाम उनकी तरफ से प्रयास भी किए जाते हैं, क्या उम्मीद की जाए आगे भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास होते रहने चाहिए? देखिए जब से 2014 से मोदी सरकार बनी है, पहला एजेंडा लाल किले से महिलाओं के शौचालय की बात हुई, यानी महिलाओं की इज्जत, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के पर्दे की बात हुई। दूसरा, महिलाओं को गैस स्टोव देकर महिलाओं की आंखों से आंसू पोंछने की बात हुई, उनको बीमारियों से दूर करने की बात हुई। तीसरा, महिलाओं के खाते खोल के उनको आत्मनिर्भर करने की बात हुई। चौथा, महिलाओं को स्किल इंडस्ट्री में एक विशेष स्थान देकर उनको नए नए स्किल से सुसज्जित करने में महिलाओं के सम्मान की बात हुई। आपका टीवी का समय कम हो जाएगा हरियाणा न्यूज का, लेकिन हमारी गिनती, हमारी लाइन कम नहीं होगी क्या क्या सम्मान महिलाओं को दिया। और अब आपने सोचिए आरक्षण 27 साल के बाद रुके हुए एक श्वास, रुकी हुई एक गति, रुकी हुई एक ध्वनि को आवाज मिली है। और हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा की अगर बात करें तो उनकी तरफ से तो खुद एक यात्रा भी निकाली जा रही है, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं धन्यवाद जताएंगी। ये बिल जो पेश किया गया है, हालांकि अभी पास नहीं हुआ, लेकिन पेश करना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात है, जो ये दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं के बारे में सिर्फ कहा नहीं जाता, उनके बारे में सोचा भी जाता है और प्रयास भी किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी महिलाएं इसके लिए धन्यवाद भी करती नजर आई हैं। देखिए महिला आयोग भी हर क्षेत्र में जहां जहां भी जाएगा, जिस कॉलेज स्कूल में जाएगा, महिलाओं की दृष्टि से धन्यवाद करेगा मोदी जी का बारंबार, महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए और अधिक अधिक आगे बढ़ाएगा, उनको और अधिक उनके अधिकारों की बात बताएगा कि जिस प्रकार देश का एक यशस्वी प्रधानमंत्री यदि आपके लिए सोच सकता है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस भारत के झंडे को, हम अपने देश के इस झंडे को इतना ऊंचा बनाएं कि दुनिया में एक मिसाल बने कि भारत की महिला सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया करूंगी रेणु भाटिया जी आपका हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए महिला आरक्षण बिल पर, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आज पेश हुआ और कहीं ना कहीं इस बिल को पेश करके एक बार फिर से महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, महिलाओं के हित में किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, उसका संदेश यहां पर दिया गया है। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी
के सामने जब ये बिल रखा तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये पास होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए ये आरक्षण बिल जो है वो लाया जा रहा है और इससे मजबूती जो है वो और बढ़ेगी।